वेलकम टू मैंग मोटो पावर। दोस्तों ये रही कम बजट में 125 सीसी की सबसे सस्ती बेस्ट फैमिली बाइक 2024 ऑल न्यू होंडा साइन 125 सीसी E20 OD2 BS6 अपडेट के साथ। आइए देखते हैं इस बाइक में क्या क्या ऐसे नए अपडेट देखने को मिल जाते हैं, माइलेज और टॉप स्पीड, नई ऑन रोड कीमत क्या होने वाली है और 2024 में क्यों ये बाइक आपको लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए, सारी जानकारी फुल डिटेल में देने वाला हूं दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ड्रम और डिस्क दो वेरिएंट आपको इस बाइक में मिल जाते हैं, 5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहला रीजन इस बाइक को खरीदने का यही है दोस्तों, इस बाइक का मस्कुलर सा स्टाइलिश सा लुक। सबसे पहले मैं चाबियां दिखा देता हूं दोस्तों। यहां पर आपको दो नॉर्मल सी की ऑफर की जाती है होंडा की ब्रांडिंग के साथ। सबसे पहले बाइक का इग्निशन ऑन करते हैं। इग्निशन ऑन करने के बाद कुछ इस तरीके का बाइक का फ्रंट लुक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको अट्रैक्टिव सा इस बाइक का लुक पूरा का पूरा देखने को मिल जाता है। ब्लैक कलर का यहाँ पर आपको बड़ा सा वाइजर दिया गया है। बाकी नीचे की साइड में चलते हैं तो यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जो कि स्टीकर के तौर पर दी गई है। नीचे आपको थोड़ा सा क्रोम का ट्रीटमेंट वगैरह देखने को मिल जाएगा, जो कि इस बाइक के लुक को काफी प्रीमियम बनाता है। 35 वॉट के बल्ब के साथ मल्टी रिफ्लेक्टर हेलोजन हेडलैम्प का यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सेटअप दिया गया है। दोस्तों नाइट में आपको काफी अच्छी विजिबिलिटी मिलने वाली है। बाकी हेलोजन वाले यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं, जो कि नॉन फ्लेक्सिबल दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर लगेगी आपकी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। अगर हम मडगार्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ मडगार्ड दिए गए, जो कि काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का है। बाकी आगे में आपको टेलीस्कोपिक फॉक सस्पेंशन का सेटअप मिलता है। दो रिफ्लेक्टर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं सस्पेंशन के दोनों ही साइड में। बाकी यहाँ पर आपको निशिन कंपनी के कैलिपर मिल जाते हैं। आगे में आपको 240mm की डिस्क मिल जाती है विद कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप के साथ। बाकी ABS का कोई भी अपडेट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको 80/100/18 प्रोफाइल के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। MRF कंपनी के यहाँ पर आपको टायर दिए गए 18 इंच की ब्लैक कलर के अलॉय व्हील के साथ। क्रैश गार्ड का सेटअप यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, अलग से आपको लगवाना पड़ेगा एसेसरीज के तौर पर। बाकी सिंगल हॉर्न इस बाइक में आपको दिया गया है। बाकी यहाँ पर आपको कैटेलिटिक कन्वर्टर मिल जाता है। यहाँ पर एक प्लेट वगैरह लगी रहती है सेफ्टी के लिए, वो यहाँ पर नहीं लगाई गई है दोस्तों। यहाँ पर आपको किक और सेल्फ स्टार्ट दोनों का ही ऑप्शन मिल जाता है होंडा की ब्रांडिंग के साथ। यहाँ पर आपको इंजन दिया गया है, इंजन काफी रिलायबल यहाँ पर आपको मिल जाता है। पावर और परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको 124 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक BS6 कंप्लायंट FI इंजन दिया गया है, जो कि 10.7 PS की मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 7500 RPM पर और 11 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 6000 RPM पर। इंजन पहले से इस बाइक का काफी रिफाइन कर दिया गया है दोस्तों, इस वजह से इस बाइक का इनिशियल पिकअप काफी अच्छा यहाँ पर आपको मिलने वाला है। बाकी माइलेज की बात करें तो 60 के आसपास का माइलेज आसानी से इस बाइक में आपको मिल जाता है। 107 प्लस की टॉप स्पीड मिल जाती है। ब्रेक पैड आपको काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के मिल जाते हैं। राइड अप फुटेज जो है यहाँ पर आपको सेंटर में दिए गए, जो कि नॉन एडजस्टेबल है। बाकी साइड में आपको ESP इनहेंस स्मार्ट पावर की टेक्नोलॉजी की वेजिंग देखने को मिल जाती है। बाकी साइड बॉडी पैनल की बात करें तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा प्लास्टिक बॉडी में साइड बॉडी पैनल दिया गया है। 125 सीसी की यहाँ पर आपको वेजिंग देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्रोम का ट्रीटमेंट दिया गया है साइड में, जिससे कि इस बाइक के लुक को काफी प्रीमियम बनाया जाए। काफी मस्कुलर सा यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। 3D क्रोम में यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग दी गई है। बाकी 5-टोन कलर के ग्राफिक्स यहाँ पर आपको देखने को जाएंगे, जो कि फ्यूल टैंक के दोनों ही साइड में दिए गए हैं इस बाइक के लुक को काफी प्रीमियम बनाने के लिए। 10.5 लीटर की काफी बड़ी फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पर आपको मिल जाती है, जो कि अपने सेगमेंट में काफी बड़ी है। यहाँ पर आपको E20 की वेजिंग देखने को मिल जाएगी, जैसा कि E20 OD2 वाला बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल आप देख रहे हो। क्रोम का यहाँ पर आपको हैंडल बार दिया गया है। मीटर कंसोल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको फुल्ली एनालॉग टाइप का मीटर कंसोल का पूरा सेटअप यहाँ पर आपको दिया गया है। डिजिटल का कोई भी अपडेट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ से मैं इग्निशन ऑन कर दे रहा हूँ। इग्निशन ऑन करने के बाद कुछ इस तरीके का लुक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। स्पीडोमीटर यहाँ पर आपको दिया गया है। बाकी ऊपर की साइड में आपको टर्न इंडिकेटर की इंडिकेशन, हेडलाइट की इंडिकेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आपको फ्यूल गेज दिया गया है। नीचे आपको न्यूट्रल इंडिकेशन, साइड स्टैंड वार्निंग लाइट यहाँ पर आपको मिल जाती है, चेक इंजन की लाइट मिल जाती है। दोस्तों कम प्राइस में आपको काफी अच्छे फीचर इस बाइक में आपको मिल जाते हैं। काफी स्टाइलिश से यहाँ पर आपको साइड मिरर मिल जाते हैं। बाकी नीचे की साइड में आपको पासिंग अपर डिपर एक ही में मिलेगा, टर्न इंडिकेटर, नीचे आपको हॉर्न का स्विच मिल जाता है, क्लच आपको काफी लाइट मिल जाएगी। दूसरी साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको इंजन किल और सेल्फ स्टार्ट का स्विच मिल जाता है। दोस्तों सबसे पहले बाइक के साउंड को सुने दोस्तों कैसा है। और ये है इंजन का साउंड। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसा लगा बाइक के एग्जॉस्ट और इंजन का साउंड। इस बाइक की जो सीट हाइट है 791 mm की है। सिंगल सीट का यहाँ पर आपको सेटअप दिया गया है। काफी लंबी चौड़ी यहाँ पर आपको सीट मिल जाती है, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। अगर सीट की कुशनिंग की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको काफी सॉफ्ट सीट मिल जाती है। आगे वाली पीछे वाली थोड़ी सी यहाँ पर आपको सॉफ्ट कम मिलेगी। ब्लैक कलर का यहाँ पर आपको सिंगल पीस में ग्रैब हैंडल दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का है। बाकी सीट काउल वाले हिस्से की बात करें तो यहाँ पर आपको शाइन का सिल्वर कलर में बड़ा सा ग्राफिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है।
बाकी नीचे की साइड में चलते हैं तो यहाँ पर आपको एडजस्टेबल प्लेन फुटरेस्ट मिल जाते हैं जो कि रबर की ग्रिपिंग के साथ दिए गए हैं। पीछे में आपको हाइड्रोलिक टाइप शॉक अब्जॉर्बर मिल जाते हैं। बाकी ये है दोस्तों इस बाइक का एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट के ऊपर आपको क्रोम का मफलर गार्ड यहाँ पर आपको दिया गया है। पीछे में आपको 130 mm की ड्रम ब्रेक का यहाँ पर आपको सेटअप मिलेगा विद कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। पीछे में आपको 80/118 प्रोफाइल के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं 18 इंच की ब्लैक कलर की अलॉय व्हील के साथ। बैक से कुछ इस तरीके का लुक इस बाइक का दिखने वाला है। बाकी होंडा की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी स्टिकर के तौर पर। हेलोजन में आपको टेललाइट मिल जाती है, हेलोजन वाले टर्न इंडिकेटर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। बाकी बीच में लगेगी आपकी नंबर प्लेट और एक छोटा सा रिफ्लेक्टर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड ब्लैक कलर का साइडी गार्ड मिल जाता है जो कि फाइबर विद मेटल के कॉम्बिनेशन के साथ दिया गया है जो कि लेडीज सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। बाकी चेन सेट कवर आपको पूरा का पूरा प्लास्टिक बॉडी में यहाँ पर आपको दिया गया है। बॉक्स शिप वाला यहाँ पर आपको स्विंगा मिल जाता है। ये जो डिटेल वगैरह देख रहे हो अगले पिछले पहिए में कितनी हवा का प्रेशर रखना है वो डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी एडजस्टेबल आपको प्लेन फुटरेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। 5-speed गियर बॉक्स का यहाँ पर आपको मैनुअल सेटअप दिया गया है दोस्तों। जी हाँ, इस बाइक में आपको 5-speed गियर बॉक्स मिल जाते हैं। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का फीचर यहाँ पर आपको दिया गया है। मेन स्टैंड भी इस बाइक में आपको मिल जाता है। इस बाइक का जो कर वेट है 115 kg का है। अब बात करते हैं दोस्तों इस बाइक के प्राइसिंग की, तो ऑल न्यू 2024 होंडा साइन 125cc OD2 डिस्क वाले वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस है 81,900 रुपए। इस बाइक की ऑन रोड कीमत है 101,694 रुपए और ड्रम ब्रेक में इस बाइक की ऑन रोड कीमत है 97,214 रुपए। दोनों बाइकों में लगभग 4,000 रुपए का अंतर है दोस्तों। ये प्राइस मैंने आपको बताई है ब्रजेश्वरी होंडा आरके मोटर्स राया मथुरा की। अगर आप होंडा की कोई भी बाइक या स्कूटर वगैरह खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर एड्रेस वगैरह मिल जाएगा, आप कॉन्टेक्ट वगैरह कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।